गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा जो आपको ज्यादा फ्लावरिंग देगा। अगर आपके पौधे के जो बड़ हैं वो नहीं खिलते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे मैजिक फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा जो आपको आपके पौधों को ग्रोथ तो दुगनी देगा ही, साथ में फूलों की भी बहार ला देगा आपके गार्डन में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। आज हम जो ये खाद बनाने जा रहे हैं गुलाब के लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा, और गुलाब, गुड़हल जिसे हिबिस्कस बोलते हैं, और बोगनविलिया, और जितने भी विंटर के फ्लावर प्लांट हैं सभी में आप ये फूल के पौधों में ये खाद जो है दे सकते हैं। तो दोस्तों इसको बनाने का जो तरीका है, ये मैंने पांच मुट्ठी, मतलब कि ऐसे भर के मैंने पांच मुट्ठी जो है वो गोबर की खाद ली है। गोबर की खाद आपकी फुली डिकम्पोज होनी चाहिए। फुली डिकम्पोज से मतलब है कि ये कम से कम एक से दो साल पुरानी होनी चाहिए। और दोस्तों इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच NPK, जो हम खाने वाले चम्मच होते हैं ये 2 चम्मच हम इसमें अंदर NPK के डाल देंगे। और दोस्तों ये जो खाद है ये काफी इसका रिजल्ट जो है बहुत जबरदस्त है। अब दोस्तों इसके अंदर हम केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों खादों को मिक्स करके एक ऐसा फर्टिलाइजर तैयार करेंगे जो आपके पौधों के लिए बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त होगा, जिससे फ्लावरिंग तो ज्यादा होगी ही होगी लेकिन पौधे की ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त होगी। अब दोस्तों इसके अंदर गोबर की खाद और NPK हो गया है। अब हमने 6 जो मुट्ठी डाली थी गोबर की खाद, अब उसके अंदर हम 3 मुट्ठी डालेंगे बोन मील। ये दोस्तों बोन मील या बोन डस्ट आप इसको बोल सकते हैं। ये हम लगभग 3 मुट्ठी इसके अंदर डाल देंगे। अब दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है पोटास। पोटास पौधे की रूट्स को भी बढ़ाता है, पोट्स जो हमारे पौधे हैं उनकी रूट को ग्रोथ करने में मदद करता है, और फूल जो है उनका साइज भी बड़ा होगा। तो उसके लिए हम डालेंगे ये पोटास। पोटास वैसे NPK में भी था लेकिन उसमें रेशो कम होता है, तो हमें ये ज़्यादा पावरफुल खाद बनानी है। और कितना यूज करना है ये भी मैं बताऊंगा, वीडियो को बस आप पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और आप ये एक बार बनाकर यूज कीजिए अपने पौधों में, आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके अंदर हमें डालना है 2 चम्मच पोटास। अब दोस्तों जो पौधे के पीले पत्ते पड़ जाते हैं वो होता है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की कमी। तो मैग्नीशियम के लिए हम डालेंगे एप्सम साल्ट, 1 चम्मच हम एप्सम साल्ट डालेंगे। और क्योंकि हम 2-2 चम्मच सब कुछ डाल रहे हैं तो 2 चम्मच ही हम एप्सम साल्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब दोस्तों एप्सम साल्ट भी हो गया और हमारा बोन मील भी हो गया। अब बात आती है दोस्तों फास्फोरस की। फास्फोरस के लिए हम 2 चम्मच ऐड करेंगे इसके अंदर DAP। ये दोस्तों 2 चम्मच हमारे DAP के हो गए। अब दोस्तों इसके अंदर बात आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट की, कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कहाँ से आएंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए हम डालेंगे ये सीवीड ग्रैनुलर। ये दोस्तों दानेदार सीवीड है और ये लिक्विड में भी आता है, आप लिक्विड में जो आता है उसको आप स्प्रे में यूज कर सकते हैं। तो 2 चम्मच हमने डाल दिया सीवीड। अब दोस्तों बीमारी से बचाने के लिए, कि आपके पौधे में कोई बीमारी ना लगे, बीमारी से बचाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा फंगीसाइड। फंगीसाइड आपने बिल्कुल ज्यादा नहीं डालना है, जितना ये आपको ढक्कन के अंदर दिखाई दे रहा है बिल्कुल थोड़ा सा फंगीसाइड जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, यही काफी है इसके लिए। अब दोस्तों इसको करना है अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद आप इसको स्टोर कर सकते हैं 1 साल तक। 1 साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये बिल्कुल सही रहेगा। और दोस्तों आप ज्यादा, मैं कहूंगा कि आप ज्यादा ना बनाएं, सिर्फ ये बना लें कि आपका जो सर्दियों के अंदर है वो सर्दियों का खाद आप एक बार में बनाकर रख सकते हैं, तो सर्दियों में वाले पौधों में आप यूज कर सकते हैं। गुलाब वैसे सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है वो गुलाब और गुड़हल और बोगनविलिया में इसका है, तो इन 3 चीजों में तो आप इसको बिल्कुल आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन और दूसरी जो पिटूनिया है, गजनिया है, इनके अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसका रेशो कितना होगा, कितना हम अपने पौधों में दे सकते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। चलिए बताता हूं आपको, आप अगर जिस भी प्लांट में यूज करना चाहते हैं, जैसे मेरा गुलाब का प्लांट है इसके अंदर मैं इसको यूज करना चाहता हूं, तो मैं इसके साइडों से गुड़ाई कर दूंगा। आप भी अपने प्लांट की जो है बिल्कुल इसको ट्रंक के पास नहीं डालना, क्योंकि ये काफी
इसके अंदर हमने काफी सारे न्यूट्रिएंट ऐड किए हैं, तो अगर ये ट्रंक के पास हमने ऐड कर दिए तो आपके प्लांट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इस तरीके से जो साइडों में मिट्टी जो है वो निकाल लें और बीच में इकट्ठा कर दें, और बीच में इकट्ठा करने के बाद अब हमें एक चम्मच हर एक प्लांट के साथ हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एक चम्मच है, तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा साइडों में डाल देंगे। बोन मील जो है वो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, स्लो आराम आराम से जो फास्फोरस है वो पौधे को देता रहता है, तो उसकी कमी जो है वो पूरी होती रहती है आराम आराम से। लेकिन हमने जो डीएपी डाला है वो अभी तुरंत असर दिखाएगा, अभी से इसमें फ्लावरिंग जो आने शुरू हो जाएगी। और ये आप फर्टिलाइजर एक महीने में एक बार दोबारा फिर से दे सकते हैं। और गुलाब, गुड़हल और बुगनविलिया में आप 20 दिन के गैप पर दें, और दूसरे प्लांट में आप एक महीने के गैप से दे सकते हैं। जो फर्टिलाइजर मैंने आपको बताया, इसे यूज करने के बाद आपके पौधे पर जो फूल है उनके साइज भी बड़े होंगे, अच्छे साइज के फूल खिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने यूज किया हुआ है, तो ऐसे बड़े और अच्छे फूल आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो बड़ नहीं खिलते हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से खिलेंगे, ब्लैक होकर नहीं गिरेंगे। जो मैंने समस्याएं बताई आप उनका समाधान कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सोशल मीडिया पर, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि प्लांट्स रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।